વલસાડ તાલુકાની લક્ષ્મીનારાયણ મિલ ખાતે ટીબીની બીમારીમાંથી લોકો કઈ રીતે જલ્દીથી સાજા થાય તે માટે જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ટીબીનો રોગ દેશમાંથી નાબૂદ કરવાની ઝુંબેશ ચલાવી રહી છે, જેના ભાગરૂપે વલસાડ તાલુકાની લક્ષ્મીનારાયણ મિલ ખાતે ડોક્ટર મીના મેડમ અને મેડિકલ ઓફિસર ટીડીસી સુરત ડોક્ટર કે આર પટેલ, તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડોક્ટર મધુકુમાર ઇન્જામોરી અને તાલુકા મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ સુપરવાઇઝર હસમુખ પરમાર, ટીબી સુપરવાઇઝર દીપકભાઈ દ્વારા ટીબી અંગેનો અવેરનેસ પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 30 જેટલા કંપનીના કર્મચારીઓને ટીબીની બીમારી વિશે વિસ્તૃત જાણકારી આપવામાં આવી હતી। चिंता मत करो सुनील, उसका इलाज शुरू हो चुका है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। मैडम जी, मैं सोच रहा हूँ अगर गीता मैडम जैसे लोगों को हो सकता है तो हम जैसे लोगों को भी हो सकता है। अरे सुनील, टीबी एक हवा से फैलने वाली बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। आप बहुत ध्यान में नहीं देखती है, लेकिन आप बहुत बंद या भीड़ भाड़ वाली स्थिति में रहते हैं जहाँ वेंटिलेशन बराबर नहीं है। यदि आपको डायबिटीज या एचआईवी है या आप स्टेरॉइड ट्रीटमेंट पर है या फिर आप धूम्रपान करते हैं या वायु प्रदूषण के संपर्क में हैं, यदि आप टीबी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में हैं जिसका अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ है। ओ सुनील, मुझे बताओ क्या तुम इन दिनों थका हुआ या कमजोर महसूस करते हो? नहीं सर, क्या तुम्हें भूख लगती है? हाँ सर। क्या तुम्हें बुखार या रात में पसीना आता है? नहीं सर। पिछले दो हफ्तों से क्या तुम्हें लगातार खांसी आ रही है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारा वजन कम हो गया है? कहाँ सर, पत्नी कहती है व्यायाम करो तुम मोटे हो रहे हो। कर सकते हैं, टीबी को रोका जा सकता है लेकिन रोकथाम की गारंटी नहीं दी जा सकती है। यदि हम सभी यह सुनिश्चित करें कि हम पौष्टिक भोजन करें, खांसते समय